जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी शाहिद शबीर। असी पहुँच गए जी मोटरवे उत्ते, और मोटरवे उत्ते असी जा रहे हैं पंजा साहिब वल, और पंजा साहिब वल जा रहे हैं, और मोटरवे इंटरचेंज के उत्ते असी भेरा इंटरचेंज ते हाँ। की कहांगा मैं कि मेरा वास्ता रवे पंजाब, यही कहांगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारे कह लो तुसी जिहड़े रोड्स ने साढ़े फ्रीवे जिहड़ा इस्लामाबाद नूं जांदा होया लाहौर तो जिन्हों मोटरवे कहा जाता, असी उस जगह उत्ते पहुँचे हुए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा, और वीर जी खुद ड्राइव कर रहे हैं वधिया लग रहा, बिल्कुल इन्ना चंगा लग रहा मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि यह सेंटर पार्ट है मोटरवे का, जिदे तो मोटरवे तुसीं बहुत अच्छे तरीके ने देख सकते हो। पिछे चल रही आ रही गड्डिया जड़िया ने, क्योंकि जुम्मा परेड का टाइम होने वाला है, इसलिए जरा थोड़ा जिना रश घट गया फ्रीवे के उत्ते, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं हमेशा एडमायर करता वा जिहड़ा भी कोई चंगा काम करे, बाहर भी जिहड़ी जिहड़ी कंट्री देश में गया वा, जिस जिस जगह पर गया वा, जिथे जिन्ने भी चंगा काम किया है, वी शुड एडमायर, सानू एडमायर करना चाहिए, सानू कह लो तुसी कि उन्होंने तारीफ करनी चाहिए है। उस तरह ही है कि जिदा मैं कह रहा वा तुहानू कि लास्ट 94 बनी सी, असी फस्ट टाइम मरी गए सी उस वेले मोटरवे तो, ते पाकिस्तान के अंदर इन्ने अच्छे रोड का असी उस वे सिर्फ सोच ही सकते सी, ते यही कहांगे जिन्होंने भी बनाई बहुत मेहरबानी, उन्होंने बहुत शुक्रिया कि साढ़े आन जाण दे विच ते घट्टो घट्ट आसानी हुई है जी। गल करते हैं वीर जी नाल, हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी फ्रीवे जां मोटरवे कह लो, जिहड़े दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो बहुत वधिया बिल्कुल फॉरन स्टाइल आ, तो असी इत्थे खड़े हाँ। साढ़े नाल दे वीर जिहड़े आ उन्हां दा नमाज़ दा टाइम सी, वो रुक के नमाज़ पढ़ रहे हैं, असी उन्हें सोचा कि जाके असी लाइव होइए, तो अपना फ्रीवे दे उपर खड़े हाँ। बहुत साफ सफाई आ इत्थे, पूरा जिहड़ा वा बनिया होया वा अपना, जिवें आपां किसी भी कंट्री च जाइए इंटरनेशनल लैवल ते, ते जिवें फूड एरिया बनिया हुंदा सारा, सब वे इत्थे हैगा वा, फूड कोर्ट्स हैगे आ, ग्लोरियस जीन्स कॉफी, मैकडोनल्ड्स, पीज़ा हट, हाँ जी, ते सर्विस स्टेशन बने हुए आ, ते बहुत वधिया साफ सुथरा वा, नाल इन्होंने घा ला के बनाया होया बहन वास्ते भी, जे किसी ने थोड़ा चिर रुक के रिलैक्स करना होवे वो भी है, ते वधिया लगा। एक्सपैक्ट नहीं करता मैं, एक्सपैक्टेशन तो वधिया लभ गया मैनू। चलो मोटरवे तो चढ़े सीगे सवेरे चलदे आ, मोटरवे दा तो वधिया लगा भी, मोटरवे वधिया बिल्कुल साफ सुथरा रोड, हाँ जी, ते टोल रोड आ, ते टोल रोड आ, ते पर ये आ कि हुण असी थोड़ा चिर रुके, अहीं कहा चलो जिहड़ी खूबसूरती नूं अहीं मानणदे आ तुहाडे नाल भी शेयर करदे आ, ते बहुत सेफ रोड आ, बहुत सेफ आ, तकरीबन लोग इनू फॉलो करते, आपू अपनी लेन च चला रहे आ, ट्रक लेन आ, एक मेन लेन आ, ओवरटेकिंग लेन आ, ते अपना अपना वधिया लेन ते चल रहा, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है ते इस वेले, पर ते थोड़ी देर हुण पहाड़ शुरू हो जाने अगे, इतों थोड़े थोड़े दिखते शायद वीडियो च ते ना आउण, मोटरवे पुलिस, आओ, अच्छा मोटरवे पुलिस है जी, फॉलो करदी है जी हर जगह ते, स्पीड नूं 120 दा स्पीड जोन सीगा, 120 दा स्पीड जोन आ जी, ते जेड़ा कहिंदे 120 तो उपर जावे कैमरे लगे हुए आ फड़ लैंदे उस वेले, पूरा फॉरन स्टाइल ही है जी, वो बस च मिल लैंदे हुण, लाइव वीडियो ते कि मिलना उदां मिल लांगे, वैसे रब ना ही मिलावे ते चंगा वा, बहुत बहुत अच्छे, बहुत वधिया लोग ने, और बहुत रिस्पैक्ट करदे आ, चाहे कोई पाकिस्तानी है चाहे कोई फॉरनर है, इन्हां दा सुभाव बहुत चंगा हुंदा जी आपस। अच्छा ने, गड्डियां वधिया रखियां इन्हां ने, हाँ जी जी, गड्डियां भी बड़ियां रखियां, चलान भी चंगे करते हैं। अच्छा, हाँ, जोड़ा कोई गलती करे तो उन्होंने पनिश तो होता है ना, वो तो पता ही है, तो जो स्पीडिंग कोई करता हो तो उन्होंने कितना का फाइन होता है कुछ पता? 700 तो शुरू होके, अच्छा, तो टिकट मिलते हैं तकरीबन कोई 2,500 तक, 2,500 तक, तो जे जे कोई बहुत ज्यादा ही करन दिया हो तो, जिवें साडे तो उधर की होंदा कि लाइसेंस वगैरह भी कैंसल कर देंदे आ, ऑन द स्पॉट नहीं करदे आ, अच्छा, लाइसेंस कैंसल, लेकिन है कि काफी ज्यादा पनिशमेंट हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, और जेड़े अगे इत्थों हुणे निकल के गए आ, वो फोटो खिचा रहे उन्हां दे नाल, ओके, हाँ जी,
ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਤੇ ਲਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਧੁੱਪ, ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਏਲੀਅਟ, ਔਰ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਊਲਿੰਗ ਔਰ ਸਟੇ ਏਰੀਆ, ਲੰਚ ਏਰੀਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਸਬਵੇ, ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਰੀਆ ਜੀਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਰੀਜਨ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਰੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਤਰ ਕੇ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੈਸੇ ਸਰ ਆਪ, ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ? ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਲਫਤ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਓਵਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTVs, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਾਸ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵਿਦਇਨ 3 to 5 minutes, ਹਮੇਸ਼ਾ 3 to 5 minutes ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਤੋਂ। ਮਾਈਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 minutes ਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 minutes ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 minutes, ਜਬ ਹਮ ਪਹੁੰਚਤੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ FW ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 97 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ, ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਿੰਟਰੀ ਲੇਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਆਊਟ ਹੋਤੇ ਬਾਦੂ ਕਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਉਤਾਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਣਾ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਨਾ,
तो लोग आपकी यानी कि इस पर पैरवी करेंगे, अमल दरामद होगा। ये पैरवी फिर दूजे सड़कों भी होनी चाहिए है। बिल्कुल होनी चाहिए, पर वो मीन क्योंकि लाइव तो थोड़ा लाइव कीमती हर जगह पे है, चाहे वो मोटरवे पे है तो चाहे आम सिटी रोड पे है। ये गल तुहाडी सही है, वैसे जिहड़ी है उधर भी ध्यान देना चाहिए वा, एजुकेट करना चाहिए लोगों को। हुण जिहड़े समय च असीं रह रहे हैं साडे कोल इन्ने ज्यादा व्हीकल्स हो गए आ। आईजी साहब ने खसूसन ब्रीफिंग, हर टोल प्लाजा पे ब्रीफिंग है, जो भी गाड़ी होती है उसको रोकते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया वो तो सीट बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी हम देखते हैं किस में क्या कमी नजर आ रही है, हम उसके मुताबिक ब्रीफ करते हैं। बड़े प्यार नाल समझाना, लागे जाके सलाम करना पहले जी, बिल्कुल सर, पहले फॉरनर है उन्होंने हेलो कह के इंग्लिश में, जो पाकिस्तानी पंजाबी है उन्होंने उर्दू में असल पूरी। असल बेसिकली वजह है कि 97 तो लेके अच्छे लोग मोटरवे पे आए हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं अभी, यानी कि जो हमारी भर्ती होती है ना, जो उसका भी सिस्टम ये है कि सारे पढ़े लिखे लेते हैं, फिर उनकी ब्रीफिंग ऊपर ऊपर लेवल से इस तरह होती है ना ब्रीफिंग, यानी कि वो ऑन रोड पे जो होता है इस तरह की एजुकेशन देते हैं कि लोगों को आराम से प्यार से मोहब्बत से, और लोग फिर उस चीज़ को समझते हैं और यानी उस पर फिर अमल भी करते हैं। ये ऐसी चीज़ें बाहरले देशों देखते हैं, जी पुलिस है चाहे कोई भी किसी भी महकमे चा, वो बहुत वधिया तरीके नाल गल करते हैं। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया तो आया जी। हाँ जी, मेहरबानी जी बहुत बहुत, तो मैं तां दस रहा भी उत्थे भी इदा तो वधिया लगता, चाहिए भी इदा, लोगों डर नहीं होना चाहिए। मैं तुहानू हुणे नाल किस्सा दस ही दिना, मैं अमेरिका गया पहले दिन, तो वो गड्डी का स्टेयरिंग दूजे पासे हुंदा वा, लैफ्ट साइड ते चलाउणी शुरू करती, प्रैक्टिस कर रहे हैं रोड ते, सानू हुण रूल्स नहीं पता लग रहे, जिवें अपने हुंदा गोल चक्कर राउंड अबाउट, उत्थे राउंड अबाउट नहीं सी हैगे, वो चार पासों तो गड्डिया अगर रुक जांदियां तो उत्थे किन्ने पहला जाना पता नहीं सी लगता सानू। वो पुलिस जो नाइस होंगी, मैं की कीता, मेरे नाल एक होर वीर सी, एक शॉपिंग सेंटर के बाहर एक पुलिस वाला गड्डी ला के खड़ा सी वीर, असी उन्होंने जाके पुछया सी कि पहला सानू इहदा रूल दस है कि नहीं, तो जे असी उत्थों डरदे होंगे तो अं फिर उन्होंने पुछना नहीं, क्योंकि सानू पता कि वो जी जे सू दस देने कि नवे आए हैं, सर रूल दसोगे तो फॉलो करा। सर जी मोटरवे पुलिस है ना, ये इस तरह नहीं कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस और मोहब्बत लोगों प्यार नाल पेश आना, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कहना सब तो पहले लोगों, यानी किस तरह अपना फील होवे, यानी कि साढ़े अपने ही है ना, ठीक है ना, फिर असीं लोगों दे मुताबिक ब्रीफ करदे हां। जिस तरह अगर किसी कोई रस्ता भुलाया उदों रस्ते अगर कोई रस्ता भुलाया असीं रस्ता दसदे हां, अगर कोई यानी कि जिस तरह हैवी ट्रांसपोर्ट है लाइट ट्रांसपोर्ट है भाई किस लाइन में चलना है, पहली चलना है दूसरी चलना है तीसरी चलना है, यानी कि बुनियादी चीज़ है मोहब्बत, मोहब्बत नाल अगर तुसी लोग किसी नाल भी पेश आ सो ना तो उधर रिजल्ट आंदा है, ठीक है साडा तो इस्लाम मजहब ही ऐसा है जो बेस ही मोहब्बत आया। बिल्कुल ठीक है जी, चाहिदा भी इदां ही। और जिसले अगर डर खत्म हो जाता ना, यानी कि तुहाडी कम्युनिकेशन में डर ना हो, खौफ ना हो, यार ये भी मेरा भाई है मेरा दोस्त है, ठीक है ना, फिर तुम अच्छी तरह ब्रीफ कर सकते हो। सर पिछले दिनों च एक वाकया होया कि बारिश मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया सी और अचानक एक कोई मामला होया ते इत्थे मोटरवे दे उत्ते उन्होंने सिख यात्रियों ने रोक के बड़ा वड्डा प्रोटोकॉल दिता सी, फिर बाय हैली जिहड़ा है असल सर साड़ी जी मोटरवे पुलिस है ना इनू इस तरह ब्रीफिंग जीती जाती है, चाहे सिख हैं चाहे दो जो जो अदर कम्युनिटी जो भी हैं उनसे मोहब्बत से पेश आना है और अच्छी तरह उनको पता चले कि हम रोड मोटरवे पे आ चुके हैं और मोटरवे पुलिस हमारे भाई हैं, और यानी कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर बंदे को उसके मुताबिक डील किया जाए, जिस तरह वो चाहता है उस तरह की एजुकेशन दी जाए। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, बहुत वधिया लगा गल करके उल्फत भाजी दे नाल, ठीक है जी, ते शुक्रिया ताड़ा भी धन्यवाद आ, तुसी अपनी जॉब ते आ, दो मिनट रुक के साडे नाल गल कीती आ, मैनू लगदा कि जरूर कोई ना कोई इस वीडियो नू देखेगा जेड़ा वो भी रूल अगे तो निजम नू फॉलो करन दी कोशिश करेगा, है कि नहीं, ते साडा मकसद भी ये आ, असी ते वैसे खड़े होए सी दो मिनट वास्ते फन करन वास्ते, ते असी कहा चलो नाल। हाँ जी मुस्तफा भाई की हाल चाल है, ते चलो ठीक है जी फिर मिलते हैं जी, शुक्रिया जी थोड़ा, ठीक है जी साइड नाल गल कीती और ए पॉजिटिव सेंस दे इक मैसेज है जिहड़ा कि पब्लिक मैसेज है असीं लैके निकले हां, मैं पाकिस्तानी हां मेरे दोस्त जिहड़े ने आस्ट्रेलिया तो आए ने, ते होप लोगों ने ये चीज़ां देख के ते इंटरनेशनली साड़ी पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस जिहड़ी है उहदा बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू बहुत, थैंक यू जी। लो जी असीं चलते हैं वापस, और क्योंकि साडा सफर अगे है और असी सिर्फ थोड़ा जिन्ना मालूमात दे रहे सी
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਕੋਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 300 rupees ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਰਬੇਜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਨ 100